कैच था पीछे, वो कैच होना चाहिए था, दूसरा रन आउट, हाँ दूसरा रन आउट, और एक उन्होंने फोर छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे इस क्रिकेट में ईच मतलब रन आपको सेव करना पड़ा है। अश्विन ने मिड ऑफ के एक मारा था उन्होंने शॉट, जो उन्होंने कोशिश की, कोशिश किया रुकना चाहिए था पर रुका नहीं। मेरे हिसाब से हमने फील्डिंग भी वो जो होनी चाहिए थी ना वो नहीं हुई, बट ये लक्ष्य चेंज होता है, ऐसी बात नहीं है कि ये लक्ष्य चेंज नहीं होता, मतलब इतना साफ हो गया है कि मैच एक तरफा नहीं होगा, एक तरफा नहीं बिल्कुल। और तारीफ करनी होगी यहाँ पे हमारे भारतीय गेंदबाज की, देखिए भुवन कुमार ने कितनी सटीक गेंदबाजी करी, लेकिन जो पाजी बात बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक रन से आपका टोटल 160 हो गया हो, एक तरफ तो लग रहा था कि जैसे 140 से 138 के बीच में समाप्त हो गए, लेकिन आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बड़े ग्राउंड है, आपको रनआउट करना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रिडिक्ट कर दिया था कि अर्शदीप लेगा बाबर आजम का विकेट और ट्विटर पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है। नहीं वही बात कर रहे थे हम लोग, क्योंकि वो अंदर आने वाली गेंद पे फंसते हैं, वो ऐसे मारते हैं ना तो वो लगने का चांस रहता है। तारीफ करने की रोहित शर्मा की भी, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाज को यूज किया है, बड़ी अच्छी कप्तानी करी रोहित ने आज। विक्रांत भी जुड़ गए मेलबर्न से, विक्रांत 160 किस तरह का आगे मुकाबला दिखेगा? श्वेता मैच से पहले 50-50 कह रहे थे, टॉस में हमने कहा इंडिया को एडवांटेज, बट इस ग्राउंड में वर्ल्ड कप मैच हो इंडिया पाकिस्तान हो, 160 रन कम नहीं होते, आपको 160 रन चेज करने हैं। अगेन आपने नई बॉल पे विकेट ली, अगर वो नई बॉल पे विकेट लेते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। यार कोई अगर स्मोक कर रहा है तो प्लीज मत कीजिएगा, है ना, प्लीज। दूसरी बात यह है कि जो अभी बात कर रहे थे आप, अश्विन को खिलाना, अब गेंदबाजी की बिना पे नहीं, लेकिन वो कैच कैच था, वो ऐसा लगा जैसे पीछे गए, फिर एक कॉटन बोल्ट था, तो यही आप इस जमाने में 2022 वर्ल्ड कप में ये फील्डिंग स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते। शायद वो जो इफ्तिकार ने चार छक्के मारे वो आपसे मोमेंटम ले गए, एंड में आके देखिए शाहीन शाह अफरीदी भी रन बना गए, तो कभी कभी क्या होता है 5 रन 10 रन आपको चुपते हैं। हालांकि अगर आप मैच शुरू होने से पहले इंडिया को कहते 160 दे वुड हैव टेकन इट, दो विकेट लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने भी सोचा होगा कि 159 बन जाएगा। सर 160 रन सर क्या है सर? इतना इट्स आठ रन से जी बहुत बड़ा ग्राउंड है सर, इट्स अ बिग टोटल सर, 80 कोहली बना देंगे, 80 कोहली बना देंगे, 80 रोहित शर्मा बना देंगे, आप कह रहे हो कि केएल राहुल जीरो पे उड़ देंगे, आई थिंक जो स्कोर है वो कंपेटेबल है और हम कंपेटिटिव स्कोर है और हमें लगता है कि ये हम जीत सकते हैं मैच, नहीं जीत सकते नहीं है, जीतना है। कौन बोल रहे हैं आप लोग जीतेगा? अभी तो 160 रन टारगेट दिया है हम लोगों ने, तो हम लोगों के पास शाहीन शाह अफरीदी भी है और दूसरा वो रऊफ भी है, नसीम शाह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह सबका है, नहीं कोहली 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 डिबेट डिफरेंट चले जाता है। फैक्ट इज इस वक्त पाकिस्तान का ड्रेसिंग रूम ये समझ रहा होगा श्वेता, ये समझ रहा होगा कि बोर्ड पर इतने रन है कि जाकर लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। उन्होंने भी पावर प्ले में दो विकेटें लेनी है, आपको दो विकेटें मिली थी, उसके बाद आपकी फील्डिंग कह लीजिए, कैचिंग कह लीजिए, उसके उस गलती के कारण आपने यहां तक पाकिस्तान को आने दिया है। जिसको जीवन दान मिलता है वो तो रन बनाता ही बनाता है। बिल्कुल, और बनाया भी उसने, देखिए जिस तरीके से 7 से 15 ओवर के बीच में उनके 74 रन बने, वो पार्टनरशिप अच्छा कर रहे थे, रनिंग बिटवीन द विकेट जो पाजी बीच में बात कर रहे थे, आपको भागना पड़ेगा, बड़े ग्राउंड है, मैच बनेगा 6 ओवर के बाद ही, अच्छा पार्टनरशिप करना पड़ेगा केएल राहुल और रोहित शर्मा को, थोड़ा सा टाइम लो थोड़ा, क्योंकि चेजिंग में हमारी टीम मास्टर है, उनको पता है, फिर 3 नंबर विराट है, 4 पे सूर्य है, अगर वो सेट करेंगे अच्छा फाउंडेशन, मुझे लगता है कि 6 ओवर में अच्छा बैटिंग करो, नो रिस्क, थोड़ा इंटेंट अच्छा रखो, अगर और 1 या 2 बॉलर को टारगेट करना पड़ेगा, जैसे अक्षर पटेल को उसने किया बैट्समैन ने, उसके बाद आप देखेंगे अश्विन को भी छक्का, 4 छक्के लगाए उसने, वहीं से टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो आउट नहीं होते तो मुझे लगा 170-185 रन बन सकता था वहां पर। तो अच्छी गेंदबाजी, अच्छी कप्तानी, अभी बात है बैट्समैन की, टेक योर टाइम, आराम से इंटेंट रखो, जितना आराम से टेक योर टाइम वैसे कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा मैच है, 6 ओवर की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये रोटेटिंग द स्ट्राइक, 3-3 रन किस तरीके से ले सके, ये सब तो बात हम कर रहे थे, पर वो इफ्तिखार ने क्या किया जो इतने 4 छक्के लगा दिए, बिल्कुल एफर्टलेस लग रहा था उस समय। देखिए उसने चांस लिया क्योंकि उस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब उसने अक्षर पटेल का जब बॉलिंग आई उसने चांस लिया और उसमें लगे, और क्योंकि ये ऐसी विकेटों के ऊपर जब मैंने अभी भी जब सुरेश से मैं बात कर रहा था, उसकी गेंद अंदर आता तो उसको मारना आसान हो जाता है, अगर टर्न कर रहा है तो देन हो सकता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट उसके बैट में आया बॉल।